लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का चलते हुए प्रियंका गांधी को सियासी मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके कंधों पर यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने और पूर्वांचल में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी थी। माना जा रहा था कि प्रियंका के आने से कांग्रेस इस बार 2009 के चुनाव की तरह यूपी में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन चुनाव के बाद सामने आए तमाम एग्जिट पोल्स कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर सामने नहीं आ रहे। कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस को यूपी में 2 तो कुछ सिर्फ 1 सीट मिलने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन वजहों के बारे में जिसके चलते यूपी में प्रियंका गांधी का जादू नहीं चल पाया। नंबर 1, सियासत में देर से आना। प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले सियासत में कदम रखा। ऐसे में उन्हें चुनावी तैयारियों के लिए बेहद कम वक्त मिला। यूपी में कांग्रेस का सिर्फ नाम बचा है, संगठन के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि पूर्वी यूपी की कमान संभालने के बाद प्रियंका ने शुरुआत के कुछ दिनों तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन चुनाव आते ही प्रियंका को ये सब बंद कर चुनाव प्रचार में जुटना पड़ा। नंबर 2, चुनाव प्रचार पर फोकस नहीं। सियासत में उतरने के बाद प्रियंका गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस के ढीले पेच कसने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कोई खास सफलता मिलती दिखाई नहीं दी। इससे इतर प्रियंका ने प्रयागराज से काशी तक की वोट यात्रा कर वोटरों को साधने की कोशिश की। पूर्वांचल की उनकी यात्रा ने पार्टी में जोश भरने का काम तो किया, लेकिन इसके तुरंत बाद प्रियंका अचानक ओझल सी हो गई। प्रियंका ने इसके बाद असम, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए प्रचार किया। इतना ही नहीं, इससे इतर वो अपनी माँ सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को जिताने के लिए रायबरेली और अमेठी में भी पसीना बहाते नजर आए। हालांकि प्रियंका गांधी ने आखिरी चरण के चुनाव से पहले काशी समेत पूर्वांचल के कुछ इलाकों में प्रचार तो किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और नंबर 3, खत्म होगा प्रियंका का क्रेज। प्रियंका ने भले ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले औपचारिक तौर पर राजनीति में कदम रखा हो, लेकिन इससे पहले भी वो चुनावी मौसम में रायबरेली और अमेठी में पार्टी के लिए प्रचार कर चुकी हैं। इतने ही नहीं, वो भले ही खुलकर सामने नहीं आती थी, लेकिन पर्दे के पीछे से राहुल की मदद करने से भी गुरेज नहीं करती थी। ऐसे में प्रियंका को लेकर पहले वाला क्रेज नहीं रह गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।